100% मैं इस बात का समर्थन करती हूँ और ये सभी का मत है कि शराब बंदी होना ही चाहिए, क्योंकि शराब से परिवार बिखर जाते हैं, लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, और जिससे समाज में भी अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शराब कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी नहीं पीता है, सरकार ऐसा भी नहीं है कि परिवार का व्यक्ति नहीं पीता, हर व्यक्ति शराब को जब सुविधा से उपलब्ध होगी तो वो पिएंगे। ये गलत है और शराब बंदी बिल्कुल निश्चित होना ही चाहिए, तो मैं इसका समर्थन करती हूँ। हाँ, खुलती हैं क्योंकि इससे धनोपार्जन होता है और सरकार को भी इससे लाभ मिलता है, लेकिन समाज बिगड़ता है, परिवार बिगड़ते हैं, और हमें कुछ भी कार्य करना है तो समाज और परिवार को देखते हुए करना है। और इसमें जिस प्रकार से ये फैल रहा है जो दोष ये शराब का, इसको बंद होना ही चाहिए, दुकानें बंद होंगी तो ये भी होगा, और सरकार ये विचार निश्चित रूप से कर रही होगी कि हमें हमारी आय के लिए निश्चित रूप से कुछ और भी करना चाहिए, परंतु ये सभी का विरोध है। मैं कहती हूँ कि कोई भी हो वो इसका समर्थन तो नहीं करेगा। पिछले दिनों धार्मिक आयोजन पे जिस तरह पहले ही हो जाना चाहिए, देखिए ये जो निर्णय होते हैं ये निर्णय निश्चित रूप से भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत होते हैं। ये कोई मत नहीं है कि हम किसी मत का प्रचार कर रहे हैं, सरकारों को ये विचार करना ही चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब जो सरकार ने निर्णय लिया है, इस प्रकार के जो सर्वजन हिताय ये जो निर्णय होते हैं सभी के संस्कारों के लिए, भारतीय संस्कार जो है और संस्कृति जो है इस, और कर्म, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है जिसमें कि सबके हित के लिए बात कही और कर्म पर प्रधानता दी है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो निश्चित रूप से सर्वहितकारी है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हम नारे भी जब लगाते हैं, अपने उद्घोष करते हैं, उसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। है कोई ऐसा देश जो कहता हो? नहीं कहता है। कि हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति ये कहती है कि जो कुछ भी है सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामाया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये सब जो भावना है ये सिर्फ और सिर्फ धर्म में ही हो सकती है, और वो सनातन धर्म है। इसलिए इस प्रकार की भावना को रखने वाले हमारा भारत, निश्चित रूप से ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए जिससे बच्चे संस्कारी रहें और बच्चे अपने वातावरण में रहें, हमारा देश क्या है ये जाने, हमारा धर्म क्या है ये जाने, कर्म क्या है जाने, हमारा नैतिक संस्कार क्या है वो जाने, परिवारों में बच्चों के संस्कार होना चाहिए वो भी। अब देखो ना जिस प्रकार से शिक्षा में गिरावट आई है, उस गिरावट में हमारे संस्कार बदलने से वृद्धाश्रम भरते चले जा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण शिक्षा है। जो मैकाले की शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है ये उस शिक्षा का दुष्परिणाम है। गुरुकुल हुआ करते थे, व्यवस्थाएं पूरी करने की मांग यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या प्रयास करेंगे? केंद्र का मामला है, इसमें मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगी। जो देख रेख है वहाँ की जो चल रही है एसआई के अंतर्गत, उसमें मुझे जानकारी मिली है, मैं इसके लिए करूँ। उदयपुर का भी जो मंदिर है उसके लिए भी मैं बात करूँगी, और बहुत प्राचीनतम मंदिर हैं, इनमें क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं व्यवस्थित होना चाहिए जो हमारे धर्म के लिए उचित है और समाज के लिए उचित है, और हमारी ये धरोहर हैं, वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी धरोहर हैं, इनको तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। हमारे इस व्यक्तिगत स्वतंत्र होने से या सिर्फ हमें दिखावा की स्वतंत्रता प्राप्त हो और बाकी हमारे जो धर्म स्थल हैं, जो हमारे संस्कारों के केंद्र हैं, वो सब ताले लगे रहे या उन पर कुछ अपन पूजा पाठ नहीं कर पाए तो वो जागृत अवस्था में नहीं आ पाते हैं। उनको होना ही चाहिए, मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए तो इसके लिए बनी हूँ और इसके लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।